रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ ब्लॉक में आज शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा दीक्षा को लेकर अभिभावक अध्यापक अभिमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अलग अलग फील्ड से विशेषज्ञ बुलाए गए थे, जिनके द्वारा मंद बुद्धि बच्चों के अधिकार एवं स्वास्थ्य आदि के बारे में चर्चा की गई। वहीं इस मौके पर डॉक्टर आशीष थपलियाल ने बताया कि अभिभावकों और समाज को जरूरत है कि वे ऐसे बच्चों में कोई नकारात्मक सोच को ना लेकर आएं। साथ ही उन्होंने बताया कि अभिभावकों को ये सुनिश्चित करना है कि बच्चा किसी खास बीमारी से ग्रसित ना हो, और अगर है तो जल्द से जल्द इसका उपचार करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसे बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें कोई भी अभिभावक अपने बच्चे का उपचार करवा सकता है। साथ ही इस अवसर पर पुलिस विभाग से अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने साइबर क्राइम के बारे में अभिभावकों से जानकारी साझा की। विभाग के द्वारा तहसील उखीमठ के द्वारा या बीओ ऑफिस में जो दिव्यांग बच्चों के लिए संबंध के लिए एक शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें जो है हमारे द्वारा बच्चों से होने वाले क्राइम और दिव्यांग को मोटिवेट करने से संबंधित बात बताई गई है, और जो है उनके भविष्य में वो किस तरह से जो है उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिन्हें वो सोचते हैं या समझते हैं, इस बारे में जो है आज चर्चा की। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे सबसे महत्वपूर्ण जो समाज को या समाज का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है समाज में, समाज में भी सबसे पहले हमारे अपने अंदर किसी नकारात्मकता को ना लेके आए, बच्चे के अंदर ना लेके आए, और सही समय पे पता करना, पता चलना, और सही समय पे उसको इलाज मिलना, वो सबसे आवश्यक है। उसी संबंध में आज की यहाँ पे चर्चा रही कि किस प्रकार बच्चों को पहचाना जाए कि ऐसे बच्चे जन्म से किसी विकृति के साथ पैदा हुए हैं, बच्चे के अंदर किसी क्षमता का अभाव है, इन चीज़ों को पहचाना जाए और जल्द से जल्द उसका इलाज किया जाए। क्या सर शिक्षा विभाग द्वारा कोई शिविर चलाए जाते हैं ऐसे बच्चों के लिए? स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कार्यक्रम जिसका नाम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें हमारी मेडिकल टीम जाकर के बच्चों का पूरा स्वास्थ्य परीक्षण करती है, जिसमें जो भी बच्चा किसी शारीरिक विकृति के साथ या किसी बीमारी के साथ मिलता है उसके हिसाब से उस बच्चे को रेफर किया जाता है संबंधित अस्पताल में, संबंधित विशेषज्ञ के पास, ताकि उसको जल्द से जल्द निदान हो सके, उसके इलाज हो सके। रुद्रप्रयाग से श्रमिक मंत्र के लिए संवाददाता शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।